सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन है बहुत यमी। चटपटी सी आलू टिक्की पुदीने की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरा एंड वेलकम टू इकरास किचन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाना। क्रिस्पी आलू टिक्की के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने 1 kg जो है वो बॉयल्ड आलू ले लिए हैं और उनको हल्का हल्का सब मैश कर लिया है, ज़्यादा इनको मैश नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिया है 1 और उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। लेमन, इसमें मैंने 3 लेमन का जूस निकाल लिया, जितना आपको खट्टा पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया लिया है मोटा कुटा हुआ, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। उसके बाद स्पाइसेस में जो जाएगा मोटी कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च जो होती है। इसमें जो ज़बरदस्त सा इसका टिक्की का टेस्ट आता है ना जो, वो इसमें मेथी से आता है। 1 टीस्पून मैंने मेथी ले ली है, खुश्क मेथी। पुदीना लिया है और धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है बेसन। तो इसको करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरह से बनाना है। आलू को मैंने मैश कर लिया था, अब इसमें सबसे पहले मैं पुदीना ऐड करूंगी और धनिया 2 टेबलस्पून। उसके बाद प्याज जाएगा, जितना पसंद है आपको, कम ज़्यादा आप अपने कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद ये ज़ीरा है और धनिया है, इनको इस तरह हाथों पे डाल के और आपने इसको मसलना है अच्छे से। तो ये इसमें ऐड करूँगी मैं। उसके बाद लाल मिर्च और मोटी कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला और हल्दी और ये है मेथी। बहुत मज़े का मेथी से टेस्ट आता है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी और सॉल्ट टू टेस्ट इसमें मैं ऐड करूँगी और लेमन जूस। इसमें थोड़े से सीड्स हैं तो मैं इस तरह इसको स्टेन कर लूँगी। जितना आपको खट्टा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को साइड पे करूँगी, हाथ से, स्पून के निस्बत हाथ से ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। नमक मिर्च आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर इसका बैटर बनाते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे करते हैं और फ्राइंग के लिए इसका बैटर बनाते हैं। तो बैटर के लिए एक मैं अलग से बोल लेती हूँ, इसमें मैं बेसन ऐड करती हूँ 4 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, इससे ही क्रिस्पी बनेंगी। अगर आप इसमें सॉल्ट थोड़ा सा और ज़ीरा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े कॉर्नफ्लोर डालने की तो ऐड कर सकते हैं। ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें गर्मियों में वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो ये देखें बैटर हो चुका है रेडी, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ। अगर आपके कटलेट्स में आपको फील हो रहा है नमक मिर्च थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ी सी मिर्च, नमक और ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने स्मूथली इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई लम्स नहीं है इसमें। तो इसको मैं साइड पर करती हूँ और अब हम बना लेते हैं आलू की टिक्कियाँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने टेस्ट कर लिया था, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़े थोड़े आलू के चंक्स भी आने चाहिए, बिल्कुल ही इसको पेस्ट मलीदा टाइप नहीं बना लेना। तो ये नॉर्मल इतने साइज़ की हमने टिक्की बनानी है। तो ये इस तरह से इस साइज़ की बनानी है और मैं इस तरह सारी बना के रख रही हूँ, बाकी की भी इस तरह से बना लेती हूँ। पुदीने की चटनी के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं और सिंपल किचन के नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही सारे ऐड होते हैं। इसमें मेथी का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं इस तरह सारी बना लेती हूँ।
बाकी की भी सारी इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने बना लिए हैं और बेसन में मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डालूंगी ताकि फ्राई होके अच्छा सा कलर आए इसमें। फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा सा और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ऑयल मैंने पैन में डाला है और जब तक ये गर्म होता है तो हम जो है वो बेसन थोड़ी सी सेट कर लें इसको और बेसन में डिप करते हैं और फ्राई करते हैं। तो ऑयल हो चुका है गरम, इसको अच्छे से आपने बेसन में डिप करना है बिकॉज अंदर से तो ये फोल्डन है। थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, ज़्यादा बेसन भी ऊपर ना लगा हुआ हो। और अब इसको ऑयल में डालते हैं। बाकी की भी इस तरह ऐड कर देती हूँ सारी। तो ये हो रही है हमारी फ्राई, अच्छे से ऊपर से डन हो जाएंगी, अच्छा सा क्रिस्पी सा इस पर ज़बरदस्त सा कलर आएगा और फुल क्रिस्पी हो जाएंगी। तो फिर हम इसको निकालते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ चुका है। मैं इन सबको टर्न करती हूँ, फुल इसको अच्छे से कलर देना है क्रिस्पी सी। तो बस 2 मिनट पहले मैं बाकी इनको निकालती हूँ, ये मैंने अभी ऐड की थी। तो फिर मैं टर्न करती हूँ, तो ये देखो ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। तो मैं इसको निकालती हूँ। इस तरह बाकी की भी सारी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी आलू टिक्की है रेडी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। तो अगर मैं आपको इसका एक खोल के दिखाऊं तो ये देखें गर्मा गर्म बहुत मज़े की है। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की हैं और बहुत टेस्टी और स्पाइसी सी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।